दोस्तों आईपीएल 2024 में संडे का दिन बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि संडे मतलब दो मैच। पहला मैच जो होने वाला है टूर्नामेंट का 61वां मुकाबला सीएसके और आरआर के बीच खेला जाएगा चिपॉक स्टेडियम में, जिसकी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आपने देखी भी होगी, अगर नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर देख लीजिए। जबकि दूसरा मुकाबला जो है वह टूर्नामेंट का 62वां मुकाबला शाम को खेला जाएगा आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। यह मैच बहुत खास है क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला करो या मरो से कम नहीं है। जो भी यह मैच हारेगा प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो जाएगा, और जो भी यह मैच जीतेगा वह खुद को प्ले ऑफ की रेस की उम्मीद में एक बार फिर से जिंदा रखेगा। यह मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी के होम ग्राउंड यानी कि बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरसीबी वर्सेस डीसी मैच की पिच रिपोर्ट कैसे होने वाली है, आरसीबी और डीसी मैच के दिन यानी कि बेंगलुरु में रविवार का मौसम कैसा रहेगा, कहीं बारिश मैच का मजा तो खराब नहीं कर देगी, साथ ही दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है उस पर भी नजर डालेंगे, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर भी बात करेंगे, साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस मैच से पहले एक बड़ा झटका लगा है उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हर खबर आपको यहां पर देखने को मिलते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी और डीसी मैच की पिच रिपोर्ट की, तो यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच की बात करें तो यह बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल रही है, क्योंकि यहां पर गेंद सीधे बल्ले पे आती है और ऐसी कंडीशन में बल्लेबाजों को बहुत फेवर भी करती है। गेंदबाजों की बात करें तो उनके लिए यहां पे कुछ खास मदद नहीं है, लेकिन स्पिनर को अच्छा टर्न और बाउंस जरूर मिल सकता है। छोटा मैदान होने के चलते इस मैच में चौके और छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। इस मैदान का औसतन स्कोर 170 रन का है। आंकड़ों की माने तो यहां पे पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को अधिक सफलता मिलती है, इसलिए यहां पे जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वह पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकता है। दोस्तों चिन्ना स्वामी स्टेडियम का जो एवरेज स्कोर है पहली पारी का वो 170 रन है, लेकिन साल 2024 में हमने देखा है कि सपाट विकेट मिल रही है, गेंदबाजों के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं है, गेंदबाजों के लिए मतलब कुछ भी नहीं है, यानी कि इस मैच में भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। चौके और छक्कों की भरपूर बारिश होगी, क्योंकि एक टीम में विराट कोहली है और एक टीम में डेविड वार्नर जैक फ्रेजर है, चौके और छक्के तो बनता है, हाई स्कोरिंग मुकाबला यह लोडिंग होने वाला है। अब नजर डालते हैं बेंगलुरु का मौसम कैसा रहेगा, हाई स्कोरिंग मैच है, कहीं बारिश मैच के मजा तो खराब नहीं कर देगी। नजर डालते हैं वेदर रिपोर्ट पे, तो रविवार 12 मई को बेंगलुरु का तापमान 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। रविवार को बेंगलुरु में बादल छाए रहेंगे और मैच के समय पर हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है, यानी कि बारिश थोड़ा सा खलल डाल सकती है, मैच में बारिश थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोरकास्ट के अनुसार केवल हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, वह भी जरूरी नहीं है कि मैच के समय पर ही हो सकता है, उसके आसपास या फिर दोपहर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिले, यानी कि पूरे 40 ओवर का एक रोमांचक हाई स्कोरिंग मुकाबला डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी है। साथ ही बात करते हैं दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर आरसीबी का पलड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा भारी है। आरसीबी ने 30 में से 18 मुकाबले अपने जेब में डाले हैं, जबकि 11 में दिल्ली को जीत मिली है, एक मुकाबला बिना किसी रिजल्ट के खत्म हुआ था, यानी कि आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। 2024 में दोनों टीमों पहली बार एक दूसरे के सामना करेगी, हालांकि पोजीशन आरसीबी से थोड़ा बेहतर डीसी की नजर आती है, क्योंकि डीसी ने आरसीबी से अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन आरसीबी भी जीत का चौका लगाकर आ रही है। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, जिन्होंने साल 2024 में काफी खराब शुरुआत की थी, लगातार मैच टीम हारी थी, हालांकि 12 मैच अब तक खेल चुके हैं, 5 मैच जीते हैं, 7 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका में इस टीम के पास 10 अंक है और अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। पिछले 4 मैच आरसीबी ने लगातार जीते हैं, जीत का चौका टीम लगा चुकी है। अब आरसीबी की नजरें जीत के पंजा लगाने पर है, यानी कि लगातार 5वीं जीत पर है। अब ऐसे में नजर डालते हैं आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 पे, तो यहाँ पे आपको विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस कप्तान होंगे इस टीम के, विल जैक्स, रजत पाटीदार, महिपाल लोमरो, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर होंगे, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज और लॉकी फर्गुसन। हो सकता है कि ग्लेन मैक्सवेल को इस मैच में एज ए इम्पैक्ट प्लेयर शामिल किया जाए। वैसे अगर विराट कोहली की बात की जाए तो आरसीबी के लिए इकलौते विराट कोहली है, जिनका बल्ला मैच दर मैच आग उगल रहा है। पंजाब के खिलाफ उन्होंने शानदार 92 रनों की पारी खेली थी, शतक पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 196 का था। विराट कोहली 600 से अधिक रन बना चुके हैं और रेंज कैप उनके सर पे बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। स्ट्राइक रेट का कोई इशू नहीं है, पिछले कुछ मैचेस में स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतर देखने को मिला है। एवरेज विराट कोहली की उस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। रजत पाटीदार मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 नंबर
नंबर 4 पे आकर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब फाफ डुप्लेसिस के बल्ले को मानो जंग सा लग गई है। उनकी कप्तानी अच्छी देखने को नहीं मिली है। रिजल्ट टीम को मिल रहे हैं, लेकिन कप्तानी थोड़ी बेहतर और हो सकती थी, क्योंकि लगातार यह टीम 6 मैच हार के आ रही थी, वह भूलने वाली बात नहीं है। डुप्लेसिस का बिल्कुल भी बल्ला नहीं चल रहा है। पिछले मैच में थोड़ी बहुत तूफानी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। विल जैक्स गुजरात के खिलाफ एक तूफानी शतक लगाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाए। लोअर ऑर्डर में दिनेश कार्तिक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन महिपाल, लोमरोर और मैक्सवेल, इनका बल्ला बिल्कुल शांत है। मैक्सवेल की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बल्ले को इनको भी मानो जंग सा लग गई है। गेंदबाजी में स्वप्नल सिंह का जब से टीम में इंक्लूजन हुआ है, वो अच्छी बॉलिंग कर रही है। पंजाब के खिलाफ पहले ओवर में विकेट चटकाया था। हैदराबाद के खिलाफ हैदराबाद में बड़ी कमाल की गेंदबाजी की थी। एक ही ओवर में ट्रेविस शेड और मार्करम को आउट किया था। बल्ले से भी अच्छा कर लेते हैं और करण शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अनुभव उनकी गेंदबाजी में झलक रहा है, लेकिन तेज गेंदबाजी इस टीम की बहुत बड़ी खराबी है। लॉकी फर्गूसन, यश दयाल, स्पेशली मोहम्मद सिराज और आरसीबी के फैन होने के नाते आपको टीम इंडिया के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद सिराज आगामी T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे। फॉर्म बहुत ही खराब है, चिंता का विषय है। इकोनॉमी ऑलमोस्ट 11 के ऊपर जा पहुंची है, यानी कि मोहम्मद सिराज ने थोड़ी टेंशन जरूर दी है। अब बात करते हैं डीसी की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, लेकिन पॉसिबल प्लेइंग 11 से पहले आपको एक बड़ी अपडेट देते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि डीसी के खेमे से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट यह है कि दिल्ली के फैंस को थोड़ा सा झटका लगेगा। ऋषभ पंत दिल्ली के कप्तान, जो कि वह इस मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बैन लगा है स्लो ओवर रेट के चलते। उनके ऊपर बैन लगा है और साथ ही 30 लाख रुपया का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है। ऐसे में ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी के बिना टीम मैदान पर उतरेगी। अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अक्षर के पास कप्तानी का ज्यादा अनुभव नहीं है, ऐसे में दिल्ली को कहीं ना कहीं इस मैच में ऋषभ पंत की कमी साफ तौर पे खल सकती है। अब नजर डालते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 पे, तो यहाँ पे आपको जैक फ्रेजर, डेविड वार्नर, अभिषेक उरेल विकेट कीपर होंगे इस टीम के, पृथ्वी शो, ट्रिस्टन स्टवर्स, गुलबदीप नायब, अक्षर पटेल कप्तान होंगे इस टीम के, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, खलील अहमद। दोस्तों अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने 12 मैच खेले है, 6 मैच जीते है और 6 में टीम को हार मिली है, यानी कि 12 अंक टीम के पास है। अभी भी प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो यह मैच हर हाल में जीतना पड़ेगा। दिल्ली की टीम अगर यह मैच हार जाती है, हालांकि आरसीबी की टीम भी अगर यह मैच हार जाती है, तो प्ले ऑफ के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। दिल्ली के लिए एक बड़ा झटका है। ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी लय में थे, कप्तानी अच्छी देखने को मिल रही थी, लेकिन वह मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अक्षर पटेल बतौर कप्तान खेल सकते हैं, उनको भी प्लेइंग 11 में वापसी होगी अगर वह खेलते हैं तो, लेकिन फॉर्म उनकी भी खराब थी, इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए भी इतना आसान टास्क नहीं रहेगा। हालांकि जैक फ्रेजर छोटा मैदान है, यहाँ पे तो उनका बल्ला आग उगलता नजर आ सकता है। ट्रिस्टन स्टवर्स लोअर ऑर्डर में कमाल के बल्लेबाजी कर रहे हैं, तूफानी स्ट्राइक रेट है, लंबे लंबे सिक्स लगाते हैं। ऐसे में उम्मीद होगी कि इस मैच में भी ट्रिस्टन स्टवर्स का पुराना वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अक्षर पटेल है, पृथ्वी शो निराश किया है, अक्षर पटेल का स्ट्राइक रेट अच्छा रह सकता है। कुलदीप यादव के ऊपर दामोदर रहेगा, अच्छी गेंदबाजी करे। खलील अहमद है, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा है, जिनके पास काफी अनुभव है, आईपीएल का और इंटरनेशनल क्रिकेट का भी पूरा एक्सपीरियंस इस मैच में डालना चाहेंगे, कोशिश करना चाहेंगे कि दिल्ली का यह मैच जिताना है। आपके सामने आरसीबी की टीम है, आपके सामने दिल्ली की टीम है, सब कुछ हमने बात कर लिया। वीडियो में पिच कैसे होने वाली है, वेदर रिपोर्ट कैसे होने वाला है, हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद है, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या कहती है, साथ ही दोनों टीमों के आईपीएल में 2024 में करेंट सिनेरियो क्या है और इस सीजन इनका पहला मैच होने वाला है, हेड टू हेड रिकॉर्ड की हमने बात की है। अब आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली के जो टोली है वो चिन्ना स्वामी में जीत का झंडा गाड़ पाएगी, या फिर आरसीबी पाप डुप्लेसिस वाली टीम लगातार 5वीं मुकाबला जीतकर प्लेऑफ के लिए एक और मजबूत दावा पेश करेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।